नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बात को शुरू करेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डिसिप्लिन इन ट्रेड्स। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी के कहने पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर विदाउट लर्निंग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इफ यू आर डूइंग एन ऑप्शन ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको इमोशनल नहीं होना है कि अब ये आपको इसमें 1,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लॉस हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, होल्ड करते रहे। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो देखिएगा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो जितने भी ट्रेड्स हैं, तो वो सारे ट्रेड्स देखिएगा प्रॉफिट में बुक हुए हैं, बट एक का स्टॉप लॉस क्या हो गया है, हिट हो गया है। तो ये चीज आपको समझनी है। एक्सेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए कि आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे पैसा बनेगा, ज्यादा बनेगा, बट आपको लॉस भी, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी स्ट्रिक्ट सेंस में मेंटेन रखना है, ताकि आपका लॉस भी उतना ही हो जितना आपका प्रॉफिट होता है, जितना आप रिकवर कर सकते हो। तो सारे बिगिनर्स को, जितने भी लोग हैं विदाउट लर्निंग या फिर लर्निंग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो प्लीज मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ताकि आपके पास दोबारा ट्रेड करने के लिए, दोबारा प्रॉफिट कमाने के लिए, दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए कैपिटल आपका बच जाए। तो जो लोग करते हैं तो देखिएगा, वो हमेशा खुश रहते हैं और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा देखिएगा, सारी स्ट्रैटेजीज आपको ये देखिएगा बताई जाती है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आपको मॉर्निंग में सारे सपोर्ट बताए जाते हैं, सारे रेजिस्टेंस बताए जाते हैं, और वहां पर मैक्सिमम टाइम में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको वहीं से रिबाउंड होते हुए, वहीं से आपको सेलिंग आते हुए देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन करिए। और अब बात करेंगे आज इरकॉन इंटरनेशनल की। देखिएगा, आज स्टॉक की बात करेंगे, इरकॉन इंटरनेशनल की मैं बात करूंगा। तो देखिएगा, ये स्टॉक के बारे में कई सारी अपडेट हैं। अगर आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले हमने आपको ये पहले स्विंग ट्रेड स्टॉक के लिए दिया था, और वहां पे 100 रुपए का आपको लेवल बताया था, और इस स्टॉक ने 100 रुपए 40 पैसे का हाई बनाया था। उसी के बाद रात में अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इसमें OFS ले आया था। तो आज यहां पे एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिएगा, जब भी कोई गवर्नमेंट OFS लाती है तो आपको समझना क्या है, कंपनी अगर अच्छी है तो शॉर्ट टर्म में आपको देखेगा उसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, बट जो व्यू है वो पॉजिटिव होगा अगर, तो आपको फिर से वो स्टॉक रिबाउंड करता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, जो कि मैक्सिमम OFS डिस्काउंट पे आते हैं, बट वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे तो इरकॉन इंटरनेशनल 100 रुपए के स्टॉक पे था, 100 रुपए के लेवल पे था, देन आफ्टर दैट आपको पता चला गवर्नमेंट ने इसका क्या लाया, OFS लाया, कितने रुपए पे आपको देखने को मिल रहा होगा, 88 रुपए के भाव पे। अगर आप देखेंगे 88 रुपीज के भाव पर आपको ये जो गवर्नमेंट लाया था, OFS लाया था, अभी कल की बात है, आज ही देखिएगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन खोल दिया गया है, तो यहाँ पर 88 रुपए के भाव पे लाया गया। तो यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर, इंफ्रा से रिलेटेड बहुत सारे काम होने हैं रेलवे को लेकर, तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप मतलब ये देख रहे हो कि OFS आ गए तो स्टॉक में सर्टेनिटी आएगी नहीं, तब आपको इसको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए। तो देखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। गवर्नमेंट ने OFS लाया, उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में 7% की आपको गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक अप्रोक्स आज वहां पे देखने को मिला था जहां पर स्टॉक का OFS आया है, लेकिन उससे थोड़ा 1 रुपए भाव आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आज रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहां पे देखिएगा सब्सक्रिप्शन खोल दिया गया था, और यहां पर जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो इरकॉन इंटरनेशनल के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है रेलवे पे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, तो इसमें आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो व्यू आपका क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और जो वेडनेसडे को अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइब किया हुआ 3.3 times सब्सक्रिप्शन इसको मिला है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है इरकॉन इंटरनेशनल के लिए,
और जो पॉजिटिव अपडेट है ये भी जान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो देखिएगा आज इन्होंने क्या करा है, इरकॉन विंस 187 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडियन रेलवे। तो देखिएगा व्यू कैसा होना चाहिए, व्यू पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होंगे, ऑर्डर बुक मेंटेन रहेगी, एग्जीक्यूशन मिलेगा, तब इस स्टॉक के भी लेवल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बट वहां पर आपको पेशेंस रखना है, वहां पर क्या रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सब चीजें तो शॉर्ट टर्म की अनसर्टेनिटी है, बट लॉन्ग टर्म व्यू कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे जीता है। अगर आप देखेंगे, अवॉर्डेड द वर्क फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मैकेनिकल सिग्नलिंग वेरियस लोकेशन इन मुरादाबाद एट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट वॉज 187.80 करोड़, और जिसका टेन्योर है वो कितना है, 24 मंथ, यानी कि 2 साल का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तब आपको कंपनी में बेनिफिट देखने को मिलता है, क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी आपको, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगी, शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेंगी। तो व्यू पॉजिटिव रखिए, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल मैं देखना लेना चाहता हूँ, देखिएगा सेल स्टॉक आपको जब OFS आया था तो देखिएगा स्टॉक 56 रुपये पर चला गया था, और मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने वीडियो देखा था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिएगा मैंने बताया था ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टील के प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले हैं। और फिर देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो कल का भाव सेल का 80 रुपये के आसपास का था, कितना था, 80 रुपये के आसपास का था, तो उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट लिया। तो देखिए आपको खुद समझना है, यू हैव टू जनरेट योर ओन कॉन्फिडेंस कि जो OFS है वो क्या है, शॉर्ट टर्म की अनसर्टेनिटी है, बट ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू इज पॉजिटिव। तो ये क्या होना आता है कि मतलब एंट्री लेने का सही टाइम है, तो एंट्री लेने का सही टाइम भी होता है, लेकिन आपको कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जितने लोग भी क्वेश्चन पूछे थे सर इरकॉन इंटरनेशनल का क्या करना चाहिए, तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, लॉन्ग टर्म का व्यू आप मानते हैं पॉजिटिव है, तब आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका तो व्यू अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, 1 ईयर 2 ईयर का, तो देखिएगा ये स्टॉक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका व्यू छोटा है तो आप और भी स्टॉक्स देख सकते हैं, काफी अच्छे स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए, आपके लिए अलग भी स्टॉक हैं, बट व्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितने लोग भी पूछ रहे थे, तो देखिए आपको मैंने पॉजिटिव न्यूज भी बता दी और निगेटिव न्यूज भी बता दी, दोनों चीजें आपको देखनी है, समझनी है, अपनी लर्निंग को इनहांस करना है, देन आफ्टर दैट आपको वहां से रिटर्न जनरेट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।